हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ तनुष सिंह फ्रॉम जीएमसी भोपाल। यार, मैं काफ़ी दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरा शेड्यूल जो था वो हेक्टिक हो चुका था और हॉस्टल लाइफ में सेटलमेंट में थोड़ा लगता है टाइम यार। और आप लोगों का नीट का एग्ज़ाम हो गया, जिन लोगों ने एग्ज़ाम में अच्छा किया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन्होंने नहीं किया कोई स्ट्रेस मत लीजिए, नेक्स्ट ईयर आप फिर से प्रिपरेशन कीजिएगा। और मेरे को काफ़ी दिनों से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जीएमसी भोपाल के बारे में जानना है, हॉस्टल लाइफ कैसी है, फीस कैसी है, कितना कट ऑफ जाता है, ऑल इंडिया से कितना रहता है या एमपी से आपका कट ऑफ कितना रहता है जीएमसी भोपाल का। तो आज की मेरी वीडियो का यही टॉपिक है कि जीएमसी भोपाल लेने के लिए एमपी के स्टूडेंट को कितनी कट ऑफ है और आपका ऑल इंडिया से जो स्टूडेंट प्रेफर कर रहा है उसके लिए कितनी कट ऑफ जाएगी। फॉर एवरी कैटेगरीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, और ऐसे ही आपको मैं एमपी के रिलेटेड बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको कुछ जनरल डाउट्स बताऊंगा जो कि बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे थे। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है जीएमसी भोपाल में 250 हैं। पहले स्टार्टिंग में जो है हमसे 2 to 3 ईयर्स बैक 150 सीट्स हुआ करती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको इंक्रीज करके 250 कर दिया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं कहना चाहूंगा कि जो ये कॉलेज है ये रॉयल मार्केट में लोकेटेड है, सुल्तानिया रोड पे। तो ये क्या है, 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन और जो एयरपोर्ट है उससे 6.8 किलोमीटर अवे है। तो जीएमसी भोपाल की जो वेल कनेक्टिविटी है। नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ कट ऑफ ऑल इंडिया की। तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा ऑल इंडिया से राउंड वन की जो 2022 का डाटा था एनएमसी के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ट्रस्टेड डाटा, 2022 में जनरल कैटेगरी के लिए जो जीएमसी भोपाल की ओपन कट ऑफ थी राउंड वन की वो थी 2262 और क्लोजिंग रैंक थी 4748। और जो ओबीसी कैटेगरी थी उसके लिए था 5627 और क्लोजिंग रैंक थी 6724। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए जो जीएमसी भोपाल की कट ऑफ थी वो 5759 ओपन था और क्लोज हुआ था 7177 पे। एससी कैटेगरी के लिए 28925 क्लोज ओपनिंग रैंक थी और क्लोजिंग रैंक थी 46622। एसटी कैटेगरी के लिए जो जीएमसी भोपाल की ओपनिंग रैंक थी वो थी 65105 एंड क्लोजिंग रैंक थी 65795। राउंड टू की बात करें 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग, तो जो जनरल कैटेगरी के लिए ओपनिंग रैंक थी वो थी 1065 एंड क्लोजिंग रैंक थी 6205। ओबीसी की बात करें तो जो ओपनिंग रैंक थी वो थी 7158 एंड क्लोजिंग रैंक थी 8510। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो जो ओपनिंग रैंक थी वो थी 8078 और क्लोजिंग रैंक थी 9397। एससी कैटेगरी के लिए जो आपकी ओपनिंग रैंक थी वो थी 28925 और क्लोजिंग रैंक थी 61524। एसटी कैटेगरी के लिए ओपनिंग रैंक थी 74481 और क्लोजिंग रैंक थी 77360। चलिए बात करते हैं मॉप अप राउंड की। मॉप अप राउंड में जो है जनरल कैटेगरी के लिए ओपनिंग रैंक थी 8484 और क्लोजिंग रैंक थी 10455। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओपनिंग रैंक थी 11384 और क्लोजिंग रैंक थी 14276। EWS कैटेगरी की बात करें तो जो ओपनिंग रैंक थी वो थी 11105 एंड क्लोजिंग रैंक थी 15870। एससी कैटेगरी के लिए मॉप अप राउंड में कोई सीट वैकेंट नहीं थी और एसटी कैटेगरी के लिए जो ओपनिंग रैंक थी वो थी 131964 एंड क्लोजिंग रैंक भी इतनी ही थी। चलिए बात करते हैं अगर कोई एमपी का कैंडिडेट जीएमसी भोपाल को लेना चाहता है, मतलब उसके पास एमपी कोटा है, तो जो राउंड वन में क्लोजिंग रैंक थी, मैं आपको यहाँ पर क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ कि इतने पर जीएमसी भोपाल बंद हो चुका था। तो जनरल कैटेगरी के लिए जीएमसी भोपाल की राउंड वन की क्लोजिंग रैंक थी 13953 और ओबीसी कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक थी आपका 18117। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए थी 20177 और एससी कैटेगरी के लिए थी आपका 84357। एसटी कैटेगरी के लिए थी 1,98,684। अब बात करते हैं राउंड टू की क्लोजिंग रैंक की फॉर जीएमसी भोपाल एमपी कैंडिडेट। जनरल कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक थी 17,314, ओबीसी कैटेगरी के लिए थी 19,852,
EWS कैटेगरी के लिए थी 20,483 और SC कैटेगरी के लिए थी 89,522। ऐसी आपका ST कैटेगरी के लिए थी। अब कई बच्चों ने मुझसे ये डाउट पूछा कि जेएमसी भोपाल का मतलब फीस स्टेटस क्या है, कितनी फीस ली जाती है, हॉस्टल फीस इंक्लूडेड है अपनी टोटल फीस में या नहीं, तो इस सब के बारे में चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जो फीस स्टेटस है, चाहे MP हो चाहे ऑल इंडिया हो, उनके लिए टोटल फीस है 1,16,172, जिसमें सारी की सारी आपकी ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी चार्जेस और अदर जितने भी करिकुलर चार्जेस हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। और जो हॉस्टल फीस है वो इस टोटल फीस में इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो आपको एडिशनली 12,000 पेमेंट करना होगा जब आपको हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगा। गाइज, जिन लोगों ने भी मुझको इंस्टाग्राम पे अपने डाउट्स सेंड किए काउंसलिंग रिलेटेड, उनकी मैं एक सेपरेट वीडियो जल्दी बनाता रहूंगा। और भी आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर कमेंट में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, जो आपकी जो फीस का ये हिसाब है, तो MP की गवर्नमेंट यहाँ पे कई प्रकार की स्कॉलरशिप देती है, तो उसको मैं अपने एक फ्रेंड के साथ सेपरेट वीडियो में कवर अप करूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मेडिको गोज ऑन, थैंक यू।